कार चले मेरी पास चलती रस्लो मेरे यार सारे गाड़ी पर ओजी शब ब्रो ओजी शब कोस मोदी सब कोस गाड़ी चले मेरी चलो बंदो आई बी फक राइडर जिन बन रिव्यू प्रोवाइडर को ब्लॉक करे मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइब गाड़ी चले मेरी फ्लो में स्लो सी नाम मुसाफिर का जोशी ये इक्के की ट्रेल मैंने शो की। सो वेलकम बैक टू अ चैनल गाइस, आप लोग देख रहे हो मुसाफिर की एक और नई वीडियो। सो अभी हम लोग बैठे हुए हैं सिलेरियो के अंदर और ये 2021 की गाड़ी है भाई। हाँ भाई, 2021 में मार्च में जो है भाई ने परचेस किया। और यहाँ हमारे साथ वंश भाई है हमारे साथ, और हमारे साथ यहाँ पर प्रिंस भाई है, और यहाँ पर मैं हूँ। और हमने जो है यहाँ पर एक एंड्रॉयड स्टीरियो जो है इंस्टॉल किया सिलेरियो 2021 में। तो सबसे पहली चीज़ भाई, ये जो गाड़ी है इसके अंदर कितने इंचेस का जो स्टीरियोज है वो लग सकते हैं? इसके अंदर 9 इंचेस का स्टीरियो ये लगा है। फ्रेम इसमें दो तरीके के आते हैं, एक सिलेरियो का फुल फ्रेम आता है, एक हाफ फ्रेम आता है। ठीक है, हाफ फ्रेम जो आता है वो ओरिजिनल फ्रेम के अंदर इतना पीस होता है, ये फुल फ्रेम है यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक का। ठीक है, ये हमने पूरा चेंज किया, एसी के वेंट अंदर लगाया। हाँ जी, एसी के वेंट इस फ्रेम में इंस्टॉल करे। ठीक है, फुल फ्रेम है। और इसमें सिस्टम हमने लगाया 9216 CPA, जिसमें एप्पल कारप्ले इनबिल्ट और एंड्रॉइड ऑटो इनबिल्ट है। तो एप्पल कारप्ले के लिए वायर यहाँ कनेक्टेड है, यहाँ पर इसका हमने स्लॉट छोड़ा है। वैसे हम यहाँ पे भी अगर ओरिजिनल होता तो हम यहाँ पे स्लॉट एक्टिवेट कर देते जो कि हम लोग हर गाड़ी में करते हैं। और एडिशनल स्लॉट भी इसमें लग जाता है, वो भी लगा सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हमने इसमें जो है डैशबोर्ड के अंदर इसके ग्लव बॉक्स में वायर डाली है। ये मैंने इसके अंदर फोन लगाया है, ये अपना एप्पल कनेक्ट करा मैंने वायर, बहुत फास्ट है। और पीछे हमारे भैया भी है, भैया कितने फास्ट कनेक्ट हुआ यार? एप्पल तो बहुत फास्ट कनेक्ट हो रहा है भैया, आप एंड्रॉइड करोगे वो भी तेजी होगा। तो यहाँ देख लो, अब हो क्या रहा है मार्केट में, कई सारे लोग आपको बेवकूफ बना रहे, कहते हैं भैया हमारे वाले स्टीरियो के अंदर एप्पल कारप्ले चलेगा, एंड्रॉइड पे चलेगा, और चलता कुछ नहीं है। कस्टमर एजुकेशन देना चाहता हूँ कि आज की डेट में मार्केट में 90% लोग बोल के लगा देते हैं गाड़ी के अंदर कि इसमें एप्पल कारप्ले है और एंड्रॉइड ऑटो है। इवन अच्छे अच्छे ब्रांड्स, आई वोंट नेम एनीवन, उनके बॉक्स पे एंड्रॉइड ऑटो लिखा होता है। पहली बात आपको ये चीज समझने की जरूरत है, एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले क्या होता है। एप्पल कारप्ले कोई ऐसी ऐप नहीं है जिसमें आप एप्पल के थ्रू अपनी वीडियोस पे स्क्रीन पे चला सकते हो। इट्स अ ड्राइवर फ्रेंडली एप्लीकेशन। आपको अगर अपने फोन के अंदर अब मुझे नेविगेट करना है, मैं इसमें कमांड दूंगा सीरी पे कि हे सीरी नेविगेट टू कनॉट प्लेस, तो मेरी नेविगेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो यहां से जैसे अगर इसको आप दबा के रखते हो, हे सीरी, मेरी सीरी कॉन्फ़िगर नहीं कर, अच्छा अभी कॉन्फ़िगर नहीं कर रही है, वैसे इसमें चल जाएगी। हाँ चल जाएगी। तो इसमें अब व्हाट्सएप है, अब बंदा कहता है मैं व्हाट्सएप खोलूं मेरा व्हाट्सएप स्क्रीन पे विजिबल हो, ऐसी चीज नहीं होती मेरे भाई। देख लो कुछ वो चीज जो होती है उसको स्क्रीन मिररिंग बोला जाता है। ठीक है, वो हर एंड्रॉइड में होती है, जिसको आपको एप्पल कारप्ले बोल के दे दिया जाता है, बेवकूफ बनाया जाता है मार्केट के अंदर। तो अभी हम लोग एक काम करेंगे प्रिंस, हमने एक अनबॉक्सिंग भी करके दिखाते हैं लोगों को ऑफिस में चल के कि कैसे हमारा स्टीरियो ये अंदर से निकलता है, और इसी के साथ में कैसे कैसे इसके फ्रेम्स आते हैं। और ये आपको व्हाट्सएप पे क्लिक करूंगा तो मैसेज आपको बोल के बताएगा कि यू हैव वन अनरीड मैसेज। ठीक है, ठीक है, नेविगेशन है ये बिल्कुल ड्राइवर फ्रेंडली है, एंड्रॉइड ऑटो भी ड्राइवर फ्रेंडली एप्लीकेशन है। ठीक है, लेकिन वो ज्यादा थोड़ी सी मेरे को खज्जल वाली लगती है, ये बढ़िया। हाँ ये बढ़िया है एप्पल का। तो एक बार जरा लाइट वाला जो है ऑन करके दिखाओ, हेडलाइट। तो हेडलाइट ऑन करते ही आपका ऑटो डिमिंग हो जाएगा, ये आपका यूज आ जाता है। ये आप लोगों की कॉन्फ़िगरेशन भी है, क्या रहने वाली है? ये 2 GB RAM 16 GB इंटरनल में रहने वाला है। ठीक है, ये वाला प्लेयर। और हमारे पास एप्पल कारप्ले के अंदर 4 GB 64 GB भी है, 8259 अपना 7 color मल्टी चेंजिंग UI जो आपकी किया के अंदर लगा था एक बार। ठीक है, वो मतलब हमारे पास सारे के सारे ऑप्शन है। हाँ जी, वो सारे के सारे ऑप्शन है। वीडियो क्वालिटी में आपको चला के इसकी दिखा देता हूँ। बिल्कुल, आवाज जो है थोड़ी कम कर दो, स्ट्राइक नहीं आएगा मरून 5 पे। ठीक है, सो दिस इज हाउ द क्वालिटी लुक्स लाइक, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ठीक है, हर जगह से जो है इसका क्या व्यू पॉइंट एक आएगा, एंड आई गेस कि कहीं ना कहीं मैं जस्टिफाई जो हूँ इसको कर पा रहा हूँ, सामने से लाइट पड़ रही है। ऑल्दो रिवर्स कैमरा हमने इसमें इंस्टॉल किया है, हाइपरसोनिक का H5P CCD, तो हम इसको 315 बोलते हैं, CCD 315 इसको हम लोग मूविंग बोलते हैं। और ये 8 LED वाला होता है, इसमें विदाउट LED भी मिलता है, विद LED मिलता है। ये विदाउट LED है, विद है ये, इसके अंदर चेक करना पड़ेगा कि विद लगाया है, विदाउट लगवाया है, विद LED लगाया है, पता नहीं भैया। पीछे रिवर्स में अभी आपको कैमरा भी इंस्टॉलेशन भी दिखा देते हैं। ठीक है, और कस्टमर को फीडबैक भी मिल जाएगा। रिवर्स का गियर मैं डालता हूँ, कैमरा का व्यू आप देख सकते हो, वेरी नाइस। अब देखो कुछ लोग बोलेंगे भैया इसमें ब्लरनेस आ रहा है, भाई 9 इंची की स्क्रीन में लगाओगे तो ऐसे होगा, 7 इंची की स्क्रीन में लगा होता तो क्रिस्टल क्लियर होता है, क्रिस्टल क्लियर होता है। बाकी कैमरा की भी एडजस्टमेंट इसमें हम लॉन्ग प्रेस करके, आप हाइपरसोनिक यूनिट में रिवर्स डालने का लॉन्ग प्रेस करेंगे, कैमरा की भी आप एडजस्टमेंट पूरी कर सकते हैं इसके अंदर। चलो भाई बहुत अच्छी बात है, मतलब सब कुछ जो है वो आपको बढ़िया मिलेगा, और आपकी ट्रेजेक्टर लाइन जो होती है, वैसे जो प्रेफर करता हूँ गाड़ी में नॉन मूविंग कैमरा ज्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि नॉन मूविंग कैमरा के अंदर जो क्वालिटी है वो ज्यादा बेटर आती है। हाँ, ये कैमरा मूविंग वाला है, मैं नॉन मूविंग ज्यादा बेटर प्रेफर करता हूँ गाड़ी के अंदर। चलो भैया की अपनी प्रेफरेंस है, ऐसा नहीं बोलूंगा भैया, भैया का भी अपना मन है। इसके अंदर आपको PIP का ऑप्शन मिल जाता है, मल्टी विंडो, मल्टी आप इसमें स्प्लिट स्क्रीन में एप्पल कारप्ले भी चला सकते हो। अच्छा, ये वीडियो आपने इधर डाल दी,
और ये आपने एप्पल कारप्ले अपना चालू कर लिया तो स्प्लिट स्क्रीन में आपका एप्पल कारप्ले भी काम कर रहा है। कैसा लग रहा है भाई वंश भाई? मेरे को तो बहुत बढ़िया लग रहा है। आप बताइए भैया, बेहतरीन भैया, जो इंस्टॉलेशन हुई है, जो काम हुआ है, उसमें कैसा आपको पूरा फिनिशिंग मिला? भाई आधे घंटे में मैक्सिमम सब एक नंबर काम। बढ़िया, ये भाई यही फीडबैक हमें चाहिए। एंड अगेन, अगर भैया मेरठ से इतने दूर से आए तो हमने उनको डिसअपॉइंट तो नहीं किया? नहीं, कोई चीज गलत तो नहीं बता रहे? नहीं, कहीं पर मिस गाइड तो नहीं कर रहे? नहीं, जितनी है उतना मिलेगा। चलो भाई, बहुत अच्छी बात है। एंड आई गेस कि आप लोगों को जो है इसके बारे में पूरा एक आइडिया मिल गया। भैया की गाड़ी में इसमें माउंटेड कंट्रोल में भैया से बात करी है, ठीक है। अभी भैया ने सारा काम करवाना है, ठीक है। उसके बाद अपना तो माउंटेड कंट्रोल भैया से बात हुई है, नेक्स्ट टाइम हम इसमें एक माउंटेड कंट्रोल भी ऐड कर देंगे। तो जिससे बिल्कुल ये बहुत जरूरी चीज भी है। हाँ। और भैया मेरे से पूछा था भैया चक्री चेंज होती है, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हब लगाते हैं, चक्री को हम हब बोलते हैं, और हब जो होता है भैया वो तो आपको चेंज कराना पड़ेगा। मैंने अपनी स्विफ्ट में भी चेंज कराया था, बहुत बढ़िया चल रही है। जिसके पास वो गाड़ी गई है वो भी खुश है, ठीक है। तो अब हम बाहर उतर रहे हैं, मैं आप लोगों को कैमरे की प्लेसमेंट दिखाता हूँ और उसके बाद सीधे हम लोग चलेंगे शोरूम। इसी के साथ में एक बार आप लोग देख लो, आपके कैमरे की प्लेसमेंट जो है यहाँ पर है। ये आप लोगों का 8 LED वाला नहीं है, आप लोग चाहो तो LED वाला, उसमें लाइट जलती है। कुछ लोगों को ऑकवर्ड लगता है, जैसा भैया ने बोला कि मूविंग वाला जो है वो कई सारे लोगों को गाइडलाइंस की वजह से पसंद आता है। बाकी बम्पर का भी एक ऑप्शन, अगर आप लोगों की चॉइस के अकॉर्डिंग आप लोग लगवा सकते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं अपने वापसी स्टोर की तरफ में, और अभी जो नई बॉक्सिंग जो हाइपरसोनिक की आनी स्टार्ट हुई है, एक बार मैं आप लोगों को उसका लुक दिखा देता हूं। तो ये आप लोगों की मैग्नेटिक वाली है। अगेन बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि थोड़ा सा हाइपरसोनिक का बॉक्स जो है वो और अट्रैक्टिव कर दो, साथ में अच्छा सा बना दो। तो जो प्रोडक्ट इज ओरिजिनल, वेदर ये पैकेजिंग है या ये पैकेजिंग है, दिस ओल्ड पैकेजिंग, दिस न्यू पैकेजिंग। और देखो भाई, इसमें ये चुंबक लगा रखा भाई ने, बहुत अच्छा ये चुंबक खुल गया आपका। और ये जो है आप लोगों का प्रोटेक्शन गार्ड, या फिर आप लोग कह सकते हो थर्माकोल से जो प्रोटेक्शन होती है। ये आप लोगों का स्टीरियो है, यहाँ पर आप लोगों को सारी वायर मिलेगी। हाइपरसोनिक का आप लोगों को यहाँ पर ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगा, इसके पीछे इसके मॉडल नंबर लिखे होते हैं। और अगर कोई भी बंदा कोशिश करता है इसको ऑल्टर करने की या इसको खोलने की कोशिश करता है तो वो भी हमें पता चल जाएगा। आज की वीडियो में नहीं बताऊंगा कैसे पता चलेगा, लेकिन हमें वो पता चल जाता है अगर आप लोग इस स्टीरियो को बाई चांस ओपन कर दो, ठीक है ना भैया, है ना। किसी भी अगर कोई भी कोशिश करेगा ऐसे खोलने की। और बाकी अगर स्क्रीन साइज के बारे में बात करोगे, आप लोगों को 9 इंची और 10 इंची का दोनों का ऑप्शन मिलता है। और इस गाड़ी में जो हमने 9 इंची इंस्टॉल किया था वो मैं आपको रख के भी दिखाता हूँ। ये हमारा सिलेरियो का इंपोर्टेड है। अच्छा, एक चीज और बताओ प्रिंस, जैसे मार्केट में जो लोग फ्रेम्स बेच रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली मैं देखता हूँ कि वो जो फ्रेम है वो बड़े लाइट वेट होते हैं और उनकी क्वालिटी इतनी ज्यादा खास नहीं होती, और उनमें पेंट की जो क्वालिटी होती है वो भी आपको बहुत अजीब। 90% मार्केट में अभी जो फ्रेम बिक रहे हैं वो ऑलमोस्ट इंडियन है या चाइनीज भी है, तो बहुत पुअर क्वालिटी के फ्रेम्स है। ये सब हाई एंड क्वालिटी के फ्रेम्स है, इनकी फिटिंग्स लॉक्स, मतलब लोग 90% तो गाड़ी में सिलेरियो में जो लोग लगाते हैं हाफ फ्रेम लगाना ही प्रेफर करते हैं, बट ये फुल फ्रेम है। ठीक है भाई, इसको आप रख के दिखाता हूँ, ठीक है। इसके अंदर सिस्टम के अंदर और आप देख सकते हो कैसे ये बिल्कुल स्नग फिट होता है। कई बार ही क्या होता है, अगर किसी के पास कोई फ्रेम नहीं होता ना, तो वो बंदा जो होता है उसको ऐसी अजीब सी कटिंग करके लगा देता है। तो प्लीज वो चीज मत करो, हर चीज का फ्रेम अवेलेबल है ओनली एट हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक की बहुत बड़ी रेंज है, अगर आप कभी भी आओ तो आप लोगों को जो है पूरी रिलायबिलिटी जो है यहाँ पर मिल जाएगी। साथ ही साथ में जितनी भी चीजें हम बता सकते थे मैंने आप लोगों को बता दिया। और कैमरे के अगर आप कलेक्शन देखना चाहो प्रिंस, इस बार थोड़े से कैमरे की कलेक्शन भी दिखा दो ऑडियंस को, ठीक है। तो जितने भी लोग मेरे से कैमरास पूछते हैं आप लगे रहने दो, वैसे दिखा देते हैं ऑडियंस को। 315 LED जो मैं आपको बोल रहा था कि जो मैं प्रेफर करता हूं लगाना गाड़ी के अंदर, ये अपना बेसिक कैमरा हो गया बम्पर के अंदर, ठीक है। नॉन मूविंग के अंदर ये बेसिक कैमरा, मूविंग के अंदर आपका हो गया, ये आपका CCD 315 मूविंग हो गया, ठीक है। ये आपका नॉन मूविंग हो गया, नॉन मूविंग पे आप देखोगे मूविंग ट्रेजेक्टरी मेंशन नहीं होगा यहाँ पे। अच्छा, एक चीज मेरे को और बताओ कि हमारे पास एक अभी नई LED आई है जिसके बारे में आप मेरे को बता रहे थे कि भैया बहुत पावरफुल LED है, तो एक बार ऑडियंस को वो भी चेक करा दीजिए। दिस इज 74 वॉट प्लैटिनम सीरीज, ये हमारी बेसिक वाली है LED। इसके अंदर हमने दो शेड्स हैं हमारे पास में, वन इज 4300 केल्विन, 4300 केल्विन एंड वन इज 6000 केल्विन। ये बहुत ही पावरफुल LED है। इसकी जो भैया जो आपका जैसे इसमें कहते हैं कि भैया इसकी नॉर्मल वाली चिप है जो चाइनीज से आ रही है बड़ी अजीब सी आती है, इसका चिपसेट कौन सा रहता है? ये ब्रिजलक्स चिप है, USA ब्रिजलक्स चिप है, ठीक है। मेंशनड है और प्रॉपर जेन्युइन ब्रिजलक्स चिप है, ब्रिजलक्स से आप चेक भी कर सकते हो। चलो भाई, ये आप लोग जो है पूरी प्रेफरेंस वाइज देख सकते हो। बाकी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्टर है जैसे ब्लू लेंस वाले IPS जो है आप लोग परचेस कर सकते हो, और इसमें आप लोगों को जो है ब्रांडिंग मिल जाएगी, टेस्टेड हार्डवेयर मुसाफिर हम लोगों ने ये चीज जो है इसके ऊपर काम कर रहे हैं। जितने भी बेसिक चीज आप चाहते हो, या फिर आप लोग एम्बिएंट लाइट चाहते हो, या किसी भी तरीके के आप लोग मॉनिटर चाहते हो जो चाहते हैं कि भैया पूरी स्क्रीन ना लगानी पड़े, तो उसका भी आप लोगों को ऑप्शन मिल जाता है। और साथ ही साथ में वीडियो सेंसर जो है ये हमारे स्टॉक में। सो गाइस, आज हम लोगों ने आप लोगों को दिखाई सिलेरियो का, जिसमें आप लोगों ने 9 इंचेस का पूरा सेटअप देखा। अगेन अगर रैम के वाइज आप लोग देखते हो तो आपको 1GB 2GB का भी ऑप्शन मिलता है, 2/32 का भी ऑप्शन है, 4/64 का भी ऑप्शन, और साथ ही साथ में 6GB रैम और 128GB रोम हो गया। रैम बोल रहे थोड़ा वैसे, ठीक है। तो प्लीज एक चीज ऑडियंस को शेयर कर दो कि अगर जैसे ऑनलाइन कोई कॉन्टेक्ट करना चाहे तो आपने कहीं पर अपने प्रोडक्ट लिस्ट किए हुए Amazon, Flipkart कहीं पर ऐसी अगर? आपको हमारे प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग www.hypersonic.club पे मिल जाएगी, तो वहां पर परचेज कर सकते हैं। आपको
व्हाट्सएप का ऑप्शन मिलेगा। अच्छा, व्हाट्सएप कर सकते हैं आप, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, पूरी डिटेल प्रोडक्ट की मिल जाएगी वहाँ से, हमारे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा, आप डायरेक्ट पेमेंट ट्रांसफर कर दो, यहाँ से शिपिंग हो जाएगी ऑल इंडिया। और हम प्रेफर यही करते हैं, ऑल इंडिया हमारे डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है, तो जहाँ पे भी हमारा डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर अवेलेबल है हम प्रेफर यही करते हैं आप हमारे ऑथराइज डीलर डिस्ट्रीब्यूटर से चीज को अपनी गाड़ी में इंस्टॉल कराएं तो आपको सर्विस बेटर मिले। अच्छा, ऐसी कोई प्रॉब्लम कभी फेस करिए रिसेंटली कि आपके बॉक्स के अंदर कुछ और सामान बिक रहा हो? बहुत सारी चीज़ें होती हैं मार्केट के अंदर, अब हम किसी को जाकर यू कैन नॉट ट्रेस एनीवन, दैट किसी ने एक यूनिट मंगाया उसको भेज दिया, बॉक्स रिटेन कर लिया, उसमें कोई और यूनिट डाल के भेज दिया, ऐसे बहुत सारी ऐसा होता है होता है। तो आप लोग जो है, जैसे हम लोग आपको हाइपरसोनिक में बहुत सारी चीजें दिखाते हैं, अगर आप पीछे से भी देखोगे बैक में तो आपको हाइपरसोनिक की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। अगेन GT9 एंड पीसोनिक इज पार्ट ऑफ हाइपरसोनिक, यानी कि अगर आप लोग थोड़ा सा कम रेंज में जाना चाहते हैं तो आप लोग पीसोनिक के लिए भी जा सकते हैं, अगर आप GT9 के लिए जाना चाहो तो आप GT9 के लिए भी जा सकते हो। ठीक है, इसी के साथ में जितने भी प्रोडक्ट्स आप लोग देखते हो इसके प्राइसिंग से लेके इसकी इंस्टॉलेशन सारी आप लोग आके करोल बाग में करा सकते हो। करोल बाग में इस टाइम पे ऑड इवन का जो पूरा का पूरा माहौल चल रहा है उसमें अगर आप लोग आते हो तो भैया से एक बार आप लोग फोन में बात कर लो, आपको गाइडेंस जो आगे की और अच्छी तरीके से मिल जाएगी। साथ ही साथ में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आप लोगों को कोशिश करते हैं कि वारंटी गारंटी सब में कुछ ना कुछ अवेलेबल करा सके जिससे आप लोगों को भी रिलायबिलिटी मिले और साथ में लॉन्ग टर्म में आप भी प्रोडक्ट को यूज कर सको। बाकी अगर आप लोगों ने इस पॉइंट तक इस वीडियो को देखा तो जरूर वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करो, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम में Musafir78 फेसबुक में हाइपरसोनिक एंड्रॉइड ऑफिशियल और इंस्टाग्राम में हाइपरसोनिक क्लब। ठीक है, तो फेसबुक में Musafir स्क्वाड भी आप लोग फॉलो कर सकते हो। और इसी के साथ में करते गाइस आज की इस वीडियो को एंड, सो टिल देन कीप वाचिंग एंड